और आदिवासी विधायक फुंदीलाल मार्को का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सिर पर गोल टोपी और कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे माननीय। दरअसल बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा, पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे विधायक, और ये दरअसल सीधी कांड को लेकर विरोध जताया उन्होंने। बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, मार्को का कहना है। कांग्रेस के विधायक है फुंदीलाल मार्को, क्या आज आपने बताने की कोशिश की? क्या है ये जो खोमरी है जो किसानों ने अपने बरसात के समय में लगाते हैं, खेत खलिहानों में जब जाते हैं तो बरसात वर्षा की बचत के लिए, ये हमारा कंबल है, इसके लिए हम लगाए हैं कि सीधी पेशाब कांड के बाद हम जो है डरे सहमे से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज आज डरा हुआ है कि नशा के जो सत्ता का नशा है, ऐसा ना हो भैया कि हमारे ऊपर भी कर दें। यदि कोई ऊपर करेगा तो मेरा खोमरी बचाव कर लेगा, यदि अगल बगल छीटा पड़ा तो मेरा कंबल बचा लेगा, इसलिए आज इसको मैं लगाया हूं और हम कल हम लोग स्थगन लगा के रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी से हमने निवेदन किया है कि ये सदन में चर्चा हो, बढ़ते आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसका जो है सदन में चर्चा होनी चाहिए और ये सदन चर्चा के लिए बना है। हम लोगों ने जो वैधानिक स्थगन लगा के रखे हैं और हमें उसका अनुमति नहीं प्राप्त, कल पूरे विपक्ष अब आवाज उठाती रही, मांग करते रहे, लेकिन अभी तक उसका अनुमति नहीं मिला है। इसलिए हम तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों के विरोधी ये सरकार है जो आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्या 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 नाम बताया और क्या इसका? खोमरी कहते हैं इसको, आदिवासी खोमरी जो किसान लोग लगाते हैं बरसात के समय में, तो मैं आज इसलिए लगाया हूँ कहीं मेरे ऊपर कर दे तो खोमरी बचत कर लेगा। विधानसभा तो सुरक्षित, विधानसभा तो सुरक्षित जगह है। अब बता नहीं भैया, कई कुछ भी नशा, सत्ता का नशा कुछ भी करा सकता है, इसलिए अब अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए ताकि मैं समाज का सुरक्षा कर सकूं। धन्यवाद। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि एक खास तरह के पहनावे के साथ जो है विधानसभा में पहुंचे हैं, खुमरी करके जो बरसात से, अच्छा खुमरी जो है जिसको बरसात से बचाने के काम आती है। विधायक का कहना है कि कहीं उन पर कोई पेशाब ना करे, सत्ता में मदमस्त होकर नेता कहीं उन पर ये ना कर दें, घटना ना कर दें, इस वजह से वो इस ड्रेस को पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। चलिए विधानसभा का ताजा अपडेट लेने के लिए चलेंगे अनुराग, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, लगभग एक घंटे का समय हो गया है सदन की कार्यवाही शुरू हुए, ताजा अपडेट्स क्या है अपने पास? बिल्कुल, देखिए प्रश्नकाल अभी खत्म हुआ है और प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल के दौरान आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग फिर से गर्म हुई और विपक्ष ने जो है सीधी कांड मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराए जाने की मांग की, और इसी को लेकर शून्यकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई और जमकर हंगामा भी सदन के अंदर देखने को मिला है, और इसी हंगामे के चलते अभी सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। तो प्रश्नकाल काल के दौरान भी आदिवासियों से जुड़ी जो जमीन का मामला है उसका मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान गूंजा था, लेकिन प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल में सीधी कांड पर चर्चा कराए जाने की मांग विपक्ष के द्वारा की गई, जिसको लेकर हंगामा हुआ और अब सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। बिल्कुल, और आगे जब कार्यवाही शुरू होगी अनुराग, अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।